आप लोग सब अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे क्लास। सो थर्ड क्लास, ऑल ऑफ यू ओपन अप योर इंग्लिश बुक, टेक आउट पेज नंबर 67 ऑफ चैप्टर नंबर 9। ठीक है, 67 जो चैप्टर, सॉरी चैप्टर नंबर जो आपका 11 है, चैप्टर नंबर 11 रीड एज अ कर्स जो है उसका पेज नंबर 67 निकालो क्लास। उसमें आपको दे रखा है सर्कल द टू वर्ड्स इन ईच रो दैट आर नॉट रिलेटेड विद द फर्स्ट। हमने वोकैबुलरी नहीं करी थी, एक बार हम दोबारा से कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं इसको। आपका ये देखो, ये आपका पेज नंबर 67 है, इसमें आपको ये वोकैबुलरी दे रखी है। तो ऑल ऑफ यू ओपन अप योर बुक्स, टेक आउट पेज नंबर 67। सर्कल द टू वर्ड्स इन ईच रो दैट आर नॉट रिलेटेड विद द फर्स्ट वर्ड। हमने उस वर्ड को सर्कल करना है जो फर्स्ट वर्ड से रिलेट नहीं करता। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड से रिलेट नहीं करता, हमने उस वर्ड को क्या करना है, सर्कल करना है। जो वर्ड आपको
एक्शन के बारे में बताता है कि एन एक्शन इज डन, जो एक्शन आपने करा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ, व्हेन, व्हिच, ये सब क्या आते हैं आपके एडवर्ब ऑफ मैनर। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ एंड आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ, कैसे, या तो ये सब्जेक्ट के बाद हो, सब्जेक्ट के पहले होगा या ऑब्जेक्ट के बाद होगा। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ही रैन क्विकली, वो बहुत तेज तेज भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, क्वेश्चन है ना कि कैसे, क्या, कब, ठीक है, तो क्विकली क्या है आपका एडवर्ब है। शी प्लेज द गिटार ब्यूटिफुली, वो बजा रही है, कैसा बजा रही है, ब्यूटिफुली, तो ये आपका क्या है एडवर्ब ऑफ मैन। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, द एडवर्ब दैट द एक्शन आर डन आर कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ टाइम, जो आपको बताता है द एडवर्ब द टेल इज व्हेन द एक्शन आर डन, जब आपका एक्शन हो चुका है, जब आपका उस चीज का एक्शन हो चुका है, उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। दे आंसर द क्वेश्चन व्हेन, कब हुआ, दे आर यूजुअली प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, लाइक अंकित वेंट टू द जू येस्टरडे, अंकित कल जू गया था, मतलब जो दिन बीत गया है अंकित उस दिन कहां गया था, जू गया था। आई ब्रश माई टीथ डेली, और मैं अपने टीथ को डेली ब्रश करता हूँ, मैं अपने टीथ को ब्रश करता हूँ, तो ये क्या है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी से रिलेटेड आपको कुछ फिलिंग द ब्लैंक दिए गए हैं, अब मैं आपको बोर्ड पे लिखवाती हूँ एंड देन हम लिखेंगे, ठीक है। 67 का हमने काम कंप्लीट कर लिया है क्लास, अब हम पेज नंबर 68 का वर्क कर रहे हैं। ओके, आपका ई पार्ट है, ई पार्ट का फर्स्ट है थे, जो आप लोगों ने अपने अपने सेंटेंस में लिखने थे। ओके क्लास, ये क्या थे आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब थे, जो आप लोगों ने अपने अपने सेंटेंस में लिखने थे क्लास। सो ऑल ऑफ यू नोटेड डाउन टिल हियर, फिर हम आगे चलेंगे। लिखा क्लास यहाँ तक, चलिएगा आगे लिखते हैं अब हम डी पार्ट।
इट मीन्स फोर्थ, फोर्थ है आपका दी बेगर. Okay class, write it down till here. सेवेंथ है आपका दी सन इज शाइनिंग. दी सन इज शाइनिंग ब्राइटली. दी सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई. Should be neat and clean. Okay, class, thank you.